तो अगर आप लोग JMS एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो कुछ इंट्रेंस एग्जाम ऐसे हैं जिनको आपको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। तो आज हम लोग पांच ऐसे इंट्रेंस एग्जाम की बात करने वाले हैं जिनको आपको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए, और इनमें से कुछ इंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप लाइव हो चुका है, यानी स्टार्ट हो चुका है, कुछ का लाइव इसी मंथ के एंड तक हो जाएगा। तो सबसे पहला नंबर पे आता है आपका WBJEE यानी वेस्ट बंगाल जॉइंट इंट्रेंस एग्जाम। ये आपका वेस्ट बंगाल का एक इंट्रेंस एग्जाम है स्टेट लेवल का, लेकिन इसमें ऑल इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप इसी मंथ यानी दिसंबर के लास्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा, और इस इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको टॉप लेवल का यूनिवर्सिटी जादवपुर यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी देखने को मिलता है। जादवपुर यूनिवर्सिटी भाई बवाल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यहाँ आपका पूरा 4 साल का फी मात्र 12,000 रुपया है। वहीं पर प्लेसमेंट की बात करें तो करोड़ों में इसका प्लेसमेंट देखने को आपको मिलता है। CSC ब्रांच का आप लोग प्लेसमेंट देखोगे तो 40 LPA के आसपास का एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिलता है, और टॉप लेवल की कंपनियां हैं जो प्लेसमेंट के लिए आपका विजिट करते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में। बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, आप कहीं ना कहीं नाम सुने होंगे, और साथ में इस एग्जाम में आपका IIM हेरिटेज इस टाइप का प्राइवेट कॉलेज भी देखने को मिलता है, बट जादवपुर यूनिवर्सिटी बेस्ट एंड टॉप पे आता है। तो डेफिनेटली आप लोग को इस एग्जाम को कंसिडर करना ही चाहिए। देन फिर आता है आपका UGEE, इसको भी आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए क्योंकि इसके थ्रू आपको IIIT हैदराबाद मिलता है, और ये काफ़ी तगड़ा कॉम्पिटिशन एग्जाम है। तो अगर आप लोग JMS का प्रिपरेशन अच्छे से किए हो तभी आप लोग एग्जाम को दे सकते हो और क्लियर कर सकते हो। बट इसमें एक और प्रॉब्लम आता है, इसमें आपको इस एग्जाम के थ्रू IIIT हैदराबाद में 4 ईयर वाला कोर्स नहीं मिलता है, आपको 5 ईयर वाला कोर्स लेना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा फी वगैरह जो है थोड़ा ज़्यादा आपको लग जाता है, इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर आता है आपका BITSET, आप कहीं ना कहीं नाम सुने होंगे, काफ़ी पॉपुलर है। इसके अंदर आपको 3 मेन कॉलेज देखने को मिलता है, BITS पिलानी, BITS हैदराबाद एंड BITS गोवा। बहुत ही पॉपुलर कॉलेज है एंड टॉप लेवल की आपको प्लेसमेंट वगैरह देखने को मिलता है, इंटर्नशिप बहुत ही बढ़िया आता है। इसका एक कॉन्स भी है, और ये है कि इसका फी थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, बट आप चाहो तो इसको कंसीडर कर सकते हो। देन आता है आपका MHT CET, इस एग्जाम के थ्रू आपको काफ़ी टॉप लेवल की कॉलेजेस देखने को मिलता है। सर अगर आप महाराष्ट्र के आसपास से हैं या फिर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो ऐसे में आपको ये एग्ज़ाम डेफिनेटली कंसीडर करना ही चाहिए। एग्जाम की डेट अभी तक आई नहीं है, ठीक है, आएगा डेट मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ओके। आता है आपका कॉमेडी के, डेफिनेटली आपको ये कंसीडर करना चाहिए, बहुत ही पॉपुलर इंट्रेंस एग्जाम है। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनको इच्छा होती है कि मुझे बेंगलोर जाकर पढ़ाई करना है, तो पता है कि बेंगलोर जो है आपका IT हब है, ऐसे केस में कॉमेडी के एग्ज़ाम आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। सभी स्टेट के स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके थ्रू आपको RV कॉलेज जो का टॉप लेवल का कॉलेज है बेंगलोर में, BMS कॉलेज, ये सारे कॉलेज आपको देखने को मिलता है। इन सभी कॉलेज में बहुत ही टॉप लेवल की कंपनियां आपको देखने को मिलता है, और इंटर्नशिप वगैरह भी काफ़ी अच्छा आपको मिलता है। ऑलरेडी बेंगलोर में रहते हो और बेंगलोर तो IT हब ही है, आप जानते हो, तो ऐसे में आपको कोई प्लेसमेंट्स रिगार्डिंग इंटर्नशिप के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। डेफिनेटली एग्जाम का भी फॉर्म आपका बहुत ही जल्द, और इस एग्जाम का भी फॉर्म फिलअप आपका बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है, जैसे स्टार्ट होता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ओके। याद से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रख लीजिएगा, ठीक है। आता आपका BITEE वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, इनका वेलोर जो कैंपस है बहुत ही फेमस है, बहुत अच्छा है, कैंपस भी बहुत बढ़िया है इनका, और इनका प्लेसमेंट वगैरह भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। लेकिन कौन सी ये है कि इसका फी जो है काफ़ी ज़्यादा है, आपको 25 लाख तक का फी आपको जा सकता है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो बढ़िया है आपके लिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट होता है, ये फील्ड में आपका करियर बनाना होता है, ऐसे में 2 एग्ज़ाम ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए। पहला आपका ISI बहुत ही पॉपुलर है, आप इसके बारे में डिटेल में सर्च करके देख सकते हो। इसका फ़ी बहुत ही कम है, 0 फी लगता है, तो बहुत अच्छा है रिसर्च में जिनका इंटरेस्ट है उनके लिए, ओके। मार्च के एंड में आपका एप्लीकेशन फीस का देखने को मिलता है, 1200 की 1400 के आसपास फी लगता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ एप्लीकेशन फॉर्म का, ठीक है। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आता है मैं आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म कर दूंगा, ओके। फिर आपका रिसर्च के लिए एग्जाम आता है NEST, काफ़ी पॉपुलर एग्जाम है, इसके थ्रू आपको NYSER कॉलेज मिलता है, 18 से 20 हज़ार इसकी फ़ी होती है, जो काफ़ी कम फी है बट रिसर्च के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। मैं आपको BSc+MSc 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स देखने को मिलता है, तो मेन बात यह कि अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्टेड है आप तो आप डेफिनेटली इसको कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। इंट्रेंस एग्जाम ऐसे हैं जिनको आपको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए, कुछ एग्जाम और भी है, ठीक है, उसको भी आप लोग कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। कुछ अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है कि हाँ ये एग्ज़ाम को भी कंसीडर करना चाहिए हमें, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।